अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईट विद टेस्टी बाइट। तो हाँ जी व्यूवर्स, हाज़िर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी लेके। आज की रेसिपी है कढ़ाई पनीर की। तो चलिए जी इस यम्मी सी डिश को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिया था, ये फ्रेश पनीर है। इस पर मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। पहले हम अपने पनीर को मैरिनेट करके रखेंगे, तो ये जो हमने मिर्च और सॉल्ट ऐड करा है उसे कोट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे हमारा पनीर कोट हो चुका है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उस पर मैं करीब 4 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूँगी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे पनीर वगैरह देसी घी में पसंद है तो मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इस पर मैंने एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम को चॉप कर लिया था ऐसे क्यूब्स के फॉर्म में। उसको पहले हम इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से, रोस्ट करेंगे, जिससे इसका ट्रांसलूसेंट ख़त्म हो जाएगा, इसमें हल्के से कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो रॉ टेक्सचर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज तक हमें बस इसको फ्राई करना है, 1.5 से 2 मिनट में हो जाएगा। अब इस पर मैं अनियन की पेटल्स फ्राई कर रही हूँ, जिसको मैंने उसी घी में मैं अनियन की पेटल्स फ्राई कर रही हूँ। अनियन को भी ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। उसको भी मैंने साइड कर लिया है। अब उसी पैन में जो थोड़ा सा घी बचा है उस पर हम अपने पनीर फ्राई कर लेंगे। पनीर को आपको गोल्डन होने तक फ्राई करना है अच्छे से। और ये जो हमने इसमें मसाला ऐड किया था वो इसलिए ऐड करा था कि पनीर अंदर से फीका फीका नहीं लगे, थोड़ा सा उस पर भी मसाला रहे। ठीक है, यहाँ पे पनीर भी हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं, उनको हम निकाल लेंगे। अब उसमें जो थोड़ा घी और बचा है उसी में हम अपना मसाला बनाएंगे। बहुत कम ऑयल और घी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करा है, 4 से 5 पेपर कॉर्न ऐड करे हैं और 2 छोटी इलायची, हरी जो इलायची होती हैं वो ऐड करी हैं। इनको क्रैकल होने देंगे। जैसे ही क्रैकल हो जाएंगे इस पर मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन को चॉप करके रफली चॉप किया है वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती है, पक नहीं जाती है। ब्राउन नहीं करना है, लेकिन ये हल्का सा इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, उस स्टेज तक इसको भूनेंगे। अब इस पर मैं एक मीडियम साइज़ के टमाटो को मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। इसको भी सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे अनियन के साथ। ये देखिए यहाँ पे हमारा, अब इस पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली को हल्का सा बीच से कट करके ऐड करा है, क्योंकि हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे इसलिए आप इसको किसी भी शेप में ऐड कर सकते हैं। टमाटो को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें 1 पिंच सॉल्ट का ऐड किया है। अब जैसे ही हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम उसकी ग्रेवी बना लेंगे। अब पैन में मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है, उस पर मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड करा है, 1 तेज़पत्ता ऐड करा है और ये जो हमने अपना मसाले का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम इस पर ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखेंगे और इस अच्छे से मसाले को पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला पूरी तरह से पक नहीं जाता है। ये देखिए मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पर मैं 1/2 टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने पनीर में भी मसाला ऐड करा था। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड करा है, 1/4 टीस्पून इस पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड करा है और हरी मिर्च भी हमने यूज़ करी है इसलिए भी मैंने तीखी लाल मिर्च कम यूज़ करी है। और 1/2 टीस्पून ही इस पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। पनीर में पहले से सॉल्ट है तो ये बस अनियन और कैप्सिकम के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सो ड्राई मसालों को भी हम अच्छे से मसालों के साथ पका लेंगे। अब ये जो मैंने जिस जार में ग्राइंड किया था अपने मसाले को, उसी जार में मैंने 1 कप वाटर लेकर के ऐड कर दिया है। वाटर के साथ मसाले को अच्छे से पकने देंगे। अब इस पर हम जो हमने फ्राई करी थी अपनी कैप्सिकम और अनियन को वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे इसके साथ मसाले के साथ। सारी चीज़ें अच्छे से आपको मिक्स करनी है। अब इस पे मैं 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके लीड लगा करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, जिसमें हमारे कैप्सिकम और अनियन सारे मसालों का फ्लेवर अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। 2 मिनट के बाद हम पैन को ओपन करेंगे और फिर इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाला हमारा पूरी तरह से भी पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बस 2 मिनट ही आपको करना है वरना हमारी वेजीज सॉगी हो जाएंगी। अब इस पर मैं अपनी पनीर ऐड कर रही हूँ, फ्राई की हुई जो पनीर हमने साइड में रखी थी वो ऐड कर रही हूँ और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे।
गैस के फ्लेम को यहाँ पे अब हम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि पनीर में पहले से अपना फ्लेवर मौजूद है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को आपको टोटली बंद कर देना है और बस धनिया पत्ती ऐड करके इसकी लीड से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना है, फिर हम उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो पनीर हमारी स्वैगी हो जाएगी, जो कि हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो अब चलते हैं इसको प्लेटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, अब इसको सर्व कर लेंगे हम फटाफट से। तो बस जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी कढ़ाई पनीर बन के रेडी है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुई थी। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।